Then चलिए बच्चों देखिए, आपको आपके ही बैच में आई है ना नोटिफिकेशन। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल फिनॉल ईथर। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। तो हेडिंग डालिए फिनॉल्स। फिनॉल को और क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को और क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। अब चलिए, एक बहुत ख़ास बात है फिनॉल के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लिखिए, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। और अगर हम इसका लेंगे 0.2%। बेटा जरा बगल वाली बैच में बोल के आओ। और इसको हम, अगर इसका हम 1% ले लें तो हम इसको किसकी तरह यूज करेंगे? डिस इन्फेक्टेंट। इसका अगर 1% लोगे कंसेंट्रेशन तो क्या होगा, किसकी तरह बिहेव करेगा? डिस इन्फेक्टेंट। और अगर इसका हम 0.2% लेंगे तो किसकी तरह काम करेगा? मतलब अंतर अंतर पता है क्या? जो एंटीसेप्टिक है वो ह्यूमन के सेल्स या टिश्यूज को नहीं डैमेज करता है, सिर्फ बैक्टीरिया माइक्रोब को डैमेज करेगा, मारेगा। जो डिसइंफेक्टेंट है ये बैक्टीरिया माइक्रोब को भी मारेगा और ह्यूमन सेल्स को भी मार देगा। तो जैसे टॉयलेट क्लीनर, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन आप सोफ्रामाइसिन ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, तो ये क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक। हाँ, क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक। जैसे आपने सुना होगा बीटा डीन, राइट। फिनॉल आर, लिखो, दीज आर कॉमर्शियली, बड़े स्केल पर कॉमर्शियली obtained by middle oil fraction of coal tar, middle oil fraction of coal tar। चलिए अब हम देखते हैं अगला तरीका है। ये तो जनरल मेथड है। अब और कौन कौन से तरीके हैं इसको प्रिपेयर करने के? तो लिखिए, बाय सेकंड मेथड इज बाय रिडक्शन। अब किया क्या हमने? हमने कराया सबसे पहले नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन किससे होगा? तो कहेंगे सर इसके लिए हमको लेना होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। जब हम इसको ट्रीट करेंगे मेटल एसिड लाइक टिन और
HCl के साथ, तो उसमें क्या होगा इसका रिडक्शन, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, नाइट्रोबेंजीन से प्रोडक्ट बन जाएगा एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। एनिलीन को जब हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करेंगे NaNO2 और HCl के साथ, इस प्रोसेस को कहते हैं डाई एजोटाइजेशन, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और जब हम इसका तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी फेनॉल। ओके, ये तो था भैया। अब नाइट्रेशन से शुरू किया, कुछ बच्चे कह सकते हैं सल्फोनेशन से शुरू करिए। चलिए अब कई सारे रिएक्शन है करके दिखाता हूँ आपको, बात समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ जाऊँ, डन लिखिए। अच्छा, फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ याद है, POM, पैरा ऑर्थो मेटा देन फिनॉल, ठीक है। एसिड होगा तो क्या होगा, OPM, ऑर्थो पैरा मेटा देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर। चलिए ये देखिए, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन,
यहाँ तक हो गया। चलिए ये इंटरेस्टिंग है, अरे बहुत इम्पोर्टेंट मेथड भी है। हमने बेंजीन लिया और हमने बेंजीन को ट्रीट किया एन प्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज CH3CH2CH2Cl। अब इसमें ये तो आपको इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं जब हमने इसको ट्रीट किया एनहाइड्रस AnCl3, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ एल्काइलेशन रिएक्शन। तो सिंपली होना क्या चाहिए, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, और आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पर हमको क्या शिफ्ट देखने को दिखता है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पर हमको सेकेंड कार्बोकैटायन बनाने की अपॉर्चुनिटी है, तो हम जो प्रोडक्ट बनेगा, एक्चुअली द प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 and CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम इज क्यूमीन, ठीक है। और हम अब इसका कराने जा रहे हैं एयर ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑन फर्दर एसीटोन और फिनोल, मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, आगे बढ़े, बस एक प्रिपरेशन रिएक्शन और है, उसके बाद हम तो हो गया। जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन है, हमने इसको ट्रीट किया NaOH से, हाई टेम्परेचर है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाउज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, डाउज प्रोसेस, ओके, हो गया।
चलिए हेडिंग डालिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल क्या है? और तो पैरा डायरेक्टर और रिंग एक्टिवेटर, ठीक है, क्योंकि प्लस आर ग्रुप है OH। तो देखिए, देखो जरा, मुझे लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, उसके बावजूद मैं आपको प्लस आर ग्रुप, तो क्या है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, और बेंजीन कौन सी रिएक्शन देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो क्या सीखा हमने? द रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखिए, ड्यू टू प्लस आर पावर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ठीक है। चलें आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो रिएक्शन हेडिंग डालो, रिएक्शंस। रिएक्शन में सबसे पहली हेडिंग लिखिए, दैट इज हैलोजिनेशन। इसमें होगा क्या? दिस इज फिनॉल, और आपने लिया ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पर दिस इज पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या होगा? ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो कौन कौन सी पोजीशन पे आके लग सकता है? ऑर्थो और पैरा, दिस इज ब्रोमीन, ब्रोमीन। देखिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल, राइट। और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। एल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कर सकते थे बताइए? ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, और न्यूट्रल FeCl3 था, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट था, लिखवाया था ना चैप्टर शुरू करने से पहले ही। यही सेम रिएक्शन अगर हम इसको ट्रीट करें ब्रोमीन को इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CnCl3 एंड दैट इज नॉन पोलर, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट होगा ऑर्थो ब्रोमो फेनॉल
दिया। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि भैया फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, अल्कोहल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। तो लिखो, आगे बढ़ जाओ। लिखो स्टार बना के एक पॉइंट। प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर क्या था, क्या बना था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल, यही बना था। और जो एल्कोहल है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। तो लिखो एल्कोहल एंड फेनॉल आर डिस्टिंग्विश बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाऊं, चलिए लिखिए नाइट्रेशन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगर हम कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लें, क्या ले लें? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लें, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा कि साइड में नोट कर लीजिए कि भैया जो बेंजीन है ये कभी भी नाइट्रिक एसिड, चाहे कंसंट्रेटेड हो और चाहे डाइल्यूट, इससे रिएक्शन में रिएक्शन शो नहीं करती। ये जानते रहिएगा, इनर्ट है, इनर्ट। ये कहीं साइड में लिख लीजिए। आगे मेरी बात समझ में, मैं आगे बढ़ जाऊं? डन, हेडिंग डालिए रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये है
फिनोल। यहाँ बनेगा अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया PCl5 से तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में बनेगा PuCl3 और HCl। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज़ वेरी पुअर बिकॉज लिखो लिखो यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन इज पुअर because PuCl3 and phenol react and form TPP. क्या बना लेगा TPP। आगे बढ़ जाऊं, हेडिंग डालिए रिमर टीमेन रिएक्शन। फिनॉल लिया, एक बार इसको ट्रीट किया CHCl3 और एक बार इसको ट्रीट किया CCl4 और हाइड्रोक्सी सैलिसिल डिहाइड। हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हटाया है उसकी जगह लगा है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CCl2।
क्या हूँ, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, CCl2, क्या कहते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन। मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, आगे बढ़ जाए। कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, भैया ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने लिया फेनॉल और इसको ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बना, सोडियम फेनॉक्साइड। जब हमने इसको सैलिसाइलिक एसिड, आगे बढ़ जाए, चलो हमने लिया फेनॉल और इसको ट्रीट किया फॉर्मल्डिहाइड से। एक बार हमने लिया इसको एक्सेस में, अगर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को लिमिटेड लोगे, फॉर्मल्डिहाइड लिमिटेड लोगे तो नोवालैक बनेगा, जिसको पेंट कहते हैं, इसीलिए पेंट की ब्रांड का नाम भी नोवालैक है, तुमने देखा भी होगा नोवालैक नेरोलैक, ये सब नाम कहाँ से आ रहा है, पेंट हाँ, तो इसका है इसका कॉम्पोजिशन पेंट। लेकिन अगर तुम इसका फॉर्मल्डिहाइड को एक्सेस में लोगे तो ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनेंगे, इसको कहते हैं, ये किसका बना होता है, बेकेलाइट, इसको गर्म करोगे तो ये और कड़ा हो जाएगा, जबकि प्लास्टिक की चेयर को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी, तो प्लास्टिक की चेयर टूट जाती है तो दुकानदार या कबाड़ी वाला ले लेता है, लेकिन स्विच जल जाती है तो कबाड़ी वाला नहीं लेता है, क्यों, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, वो कैसा है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये कौन सा पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग, तो जैसे कोई भी शेप देने के लिए इसको पिघलाओगे, जैसे पिघलाओगे ये और कड़ा हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, तो कबाड़ी वाला इसको फ्री में भी नहीं लेगा, पैसा छोड़ो फ्री में दोगे तब भी नहीं लेगा, उसके लिए ये, उसके लिए ये कबाड़ है, राइट। हाँ बिल्कुल, यही प्रश्नोत्तर के बगल से गुजर रहे होते तो मैं पढ़ा दिया आज, बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ थर्मो डालो, ऐसा ना हो कबाड़ी बनने की क्लास दे दे, लिखो दिस इज 3D
क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क इसीलिए बहुत हीट रेजिस्टेंट होता है, इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, राइट। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आए ना, चलो हमने लिया भैया फेनॉल और इसको ट्रीट किया थैलिक एनहाइड्राइड और बना क्या फेनोप्थैलिन, कैसे लिखते हैं HPH, याद है कुछ? याद आया फेनोप्थैलिन को देखते ही, एसिड बेस इंडिकेटर है ना। तो फेनोप्थैलिन को ट्रीट किया एक बार हमने एसिड से, तो भैया ये खुद एसिड है, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? और एक बार हमने इसको एल्केलाइन मीडियम में रखा, तो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहा, लेकिन एल्केलाइन मीडियम में हमको किस कलर का दिखा? पिंक, लड़कों का फेवरेट हाँ पिंक। देख लेते हैं कोई और रिएक्शन तो नहीं छूटी, वरना ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, फिनॉल भी ख़त्म। अब इसके बाद क्या बचेगा? ईथर। एसिडिटी ऑफ फिनॉल आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? क्यों नहीं आता? पैरा ऑर्थोमेटा फिनॉल नहीं पढ़ाया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच, चलो कुछ कॉमन रिएक्शन पढ़ा दे रहा हूँ जो एसिड और अल्कोहल और फिनॉल दोनों देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो दिस इज एराइल या एल्काइल अल्कोहल। जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एराइल या एल्काइल ईस्टर, मतलब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। और सिंपली कहने का मतलब ये कि फिनॉल भी देता है और अल्कोहल भी देता है। सिमिलरली हमने इसको ट्रीट किया एसिड एनहाइड्राइड से, तो हमको क्या मिला? सॉरी
यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना बस, सब जगह प्रोडक्ट सेम है। बाय प्रोडक्ट अंदर अलग अलग है, देखो क्या बन रहा है ये देखो। ये ठीक है, इसकी जगह पर ये आर डैश है, इसकी जगह पर आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ईस्टर है ना। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, स्टेरिफिकेशन। तो कौन दे सकता है, फिनॉल भी दे सकता है और एल्कोहल। ओके तो बाकी सारी रिएक्शंस में तो मैंने पढ़ा दी है आपको, तो मैंने आपको फिनॉल भी पढ़ा दिया। अब मुझे आपको पढ़ाना है ईथर, स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ा दी आपको, हेलोजिनेशन पढ़ा दिया, कोलबे रिएक्शन पढ़ा दी, रीमर टीमन पढ़ा दिया, फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा दिया, बेंजोक्विनोन वाली रिएक्शन भी पढ़ा दी। ये देखो यहीं एक ही जगह पढ़ा दी थी, यहाँ पे देखो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना था, दिस इज बेंजोक्विनोन, ठीक है। ठीक है, Na2CR2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम H प्लस मतलब H2SO4, ठीक है सब पढ़ा दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब हम लोग को पढ़ना है ईथर, क्या आज ही पढ़ के टॉपिक खत्म करें? हाँ कितना टाइम हो रहा, टाइम बताइए, हेडिंग लिख पाएंगे बस? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, ले लो ले लो, समझ में आ गया पूरा? चलिए, फिनॉल पूरा पढ़ा दिया मैंने।